ये है घराली जो आग फैला कर और बस वाली जो सिंक्रोनाइज्ड रिंग है, और ये आपको फोर्क दिख रहा होगा, ये फोर्क टूट गया है, ये देखिए आगे पीछे हो रही है, अभी ये हमने फ्री कर दी पिचकस की मदद से, और ये फोर्क टूट गया, इस वजह से पहला और रिवर्स गैस नहीं पड़ रहा है। इस फोर्क का टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया है, अगर वाई दबा गियर बॉक्स में आ जाए तो नुकसान हो जाएगा। हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो है, ये है पावर ट्रैक यूरो 50। इसमें दिक्कत ये आ रही है, ये इसमें जैसे फ्रंट गियर पड़ गया है, उसके बाद में इसमें रिवर्स गियर नहीं पड़ रहा है, फ्रंट के पहले गियर में ही चल रहा है, ना दूसरा पड़ रहा, ना तीसरा, ना चौथा, और रिवर्स गियर में नहीं चल रहा है। इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पड़ रहा, क्या बात है। तो अभी इसका मैं खुद एक हाथ में मेरे में कैमरा पकड़ रखा है मैंने, और दूसरे हाथ से मैं इसमें गियर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसमें गियर नहीं पड़ रहा, नहीं रिवर्स गियर पड़ रहा, नहीं फ्रंट गियर तो पहला गियर तो पड़ा है इसमें, लेकिन न दूसरा पड़ रहा, न तीसरा, न चौथा, लो हाई पड़ रहा है और रिवर्स नहीं पड़ रहा, वो पहला है ही इसमें पहला पड़ा हुआ है, न दूसरा पड़ रहा, न तीसरा, न चौथा, पूरी ताकत लगाने के बाद लीवर भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। अब चलो इसमें देखते हैं आखिर में दिक्कत क्या है। देखिए नहीं ये रिवर्स गियर पड़ रहा, नहीं फ्रंट गियर पड़ रहा, यानी कि पहला गियर पड़ने के बाद में दिक्कत हो गई है, नहीं दूसरा, नहीं तीसरा, नहीं चौथा। अगर ऐसी कोई आपके ट्रैक्टर में दिक्कत होती है तो आप वीडियो के आगे बताएंगे आप उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपका काम चल जाए, लेकिन हाँ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपने ट्रैक्टर में चलाएं ज़्यादा देर तक, क्योंकि और भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर बड़ा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये हमारा ट्रैक्टर 2021 मॉडल है, इसमें वही 4-5 बार क्लच पीरियड पड़ गई, 600-700 घंटे चला हुआ है ये ट्रैक्टर हमारा। इसकी वीडियो मैंने काफ़ी कई वीडियो इसमें डाल रखी हैं, 4-5 बार क्लच पीरियड चेंज हो चुका है इसका, तो मैंने ये वीडियो हर एक जितनी भी बार चेंज हुआ है उतनी बार मैंने इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें अभी ये दिक्कत आ गई है कि इसमें रिवर्स गियर नहीं पड़ रहा, तो पहला गियर पड़ गया, उसके बाद नहीं दूसरा पड़ रहा, नहीं तीसरा, न चौथा, या रिवर्स गियर पड़ रहा, आप देखते हैं असल में इसमें दिक्कत है क्या। देखिए पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना कोई गियर लो हाई तो पड़ ही रहा है, लेकिन पहला गियर पड़ने के बाद में एक तरीके से फ्री है, ना दूसरा, न रिवर्स, न चौथा, न तीसरा। अब इसको गोर बॉक्स का टापा खोल के ऊपर का कैप खोल के देखते हैं आकर इसमें दरअसल प्रॉब्लम क्या है, क्या है? टूटा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस बंद कर ले, बंद कर ले। ऐसी कोई अगर आपके उसमें दिक्कत हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा कि जहाँ तक भी ले जाना हो। तो अगर ऐसे में अगर बार बार कोई चीज़ निकालना निकालेंगे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये हमने इसका गियर बॉक्स का ऊपर का कैप होता है मेन कैप उतार निकाल दिया है, और यहाँ ये इसके फॉक्स लगे हुए हैं, गियर फॉक्स होते हैं जो कि सिंक्रोनाइजर रिंग को आगे पीछे करने का काम करते हैं, जिससे कि गियर चेंज होते हैं। अब इसमें देखते हैं दरअसल पंप क्या है, पहला, तीसरा, चौथा तो काम कर रहा है, लो हाई भी काम कर रहा है, और दूसरा भी काम कर रहा है, लेकिन पहला और रिवर्स का जो फॉक्स है ना वो टूट गया है, उसको हमने बराबर कर दिया। अब इसको हमने वो फॉक्स थोड़ा अटक रहा था वो बराबर कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं, रिवर्स गियर डाल के देखते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है वो, देखिए फ्रंट आगे की तरफ चल रहा है। अब इसमें बैक गियर डाल के देखते हैं बैक में चलता है कि नहीं, हाँ बैक गियर में चल रहा है, रिवर्स गियर में चल रहा है, यानी कि अभी तो फिलहाल काम कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही हमने गियर चेंज किया अब इसमें रिवर्स गियर पड़ के रह गया, पहले इसमें फ्रंट गियर काम कर रहा था लेकिन बैक गियर नहीं काम कर रहा था, अब इसमें बैक गियर काम कर रहा है और फ्रंट गियर नहीं काम कर रहा है। इसको हमने अच्छे तरीके से ये सिंक्रोनाइजर रिंग है, ये जो आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है
ये रिवर्स और फॉरवर्ड का काम करती है, पहले और रिवर्स गियर से अटैच होती है, और इसका जो फॉक्स होता है एक तरीके से जो इसे आगे पीछे करने का काम करता है वो टूट चुका है, इस वजह से ये पूरी तरीके से ना आगे हो रही ना पीछे हो रही, ये दिक्कत थी।